हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 7:45 बजे से। एक्चुअली हम लोग तो उठ ही गए थे बहुत जल्दी, आप लोग तो जानते ही हो कि अभी सौरभ का जैसे अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट हो गया है, तो मॉर्निंग शिफ्ट की वजह से हम लोग काफ़ी जल्दी उठ रहे हैं। तो आज भी मैं उठ गई थी 5 बजे और मैं ना आपको एक बार बाहर का सिनेरियो दिखा देती हूँ। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, अगर आप न्यूज चैनल खोलोगे या तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे या तो फेसबुक ट्विटर कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, नोएडा NCR में जो खतरनाक पॉल्यूशन बढ़ी है ना, उसके वजह से कोरोना के चक्कर में जैसे इतने दिन तक हमको लॉकडाउन करके रखा गया था ना, अभी यहाँ का जो सिचुएशन है शायद पता नहीं कि फिर से लॉकडाउन ना करते कि बाहर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, धूप इतना साफ ही नहीं आ रही है। मतलब सुबह से लेके शाम तक इतना सा धूप भी देखने को नहीं मिल रहा है, पूरा चादर की तरह ऐसे छाया हुआ है। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये मेरा छोटा वाला बेडरूम से देखिए बाहर का नजारा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, पूरा एकदम हेजी। सामने जो गांव है ना, वो गांव भी नहीं दिख रहा है, एकदम ढक गया है गांव भी, और नीचे गेट सब कुछ बिल्कुल हेजी है, बहुत ही खराब है यहाँ का हालत। ये फॉग नहीं है, ये है स्मॉग। हम लोग अगर ये ग्लास विंडो तो अभी हमेशा बंद रहता है, ठीक है, लेकिन ये कर्टन भी अगर हटा के रखता है ना, तो ये इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है, पूरा रूम ठंडा हो जाता है, इसलिए हमेशा कर्टन अभी ना विंटर के टाइम पे बंद करके ही रखती हूँ। बहुत ही ज्यादा यहाँ का मतलब हालत खराब है। तो बोल रहे टीवी पे और इसमें बार बार बोल रहे कि आप लोग जितना हो सके बाहर मत निकलो, क्योंकि ये स्मॉग इतना खतरनाक है ना, मास्क यूज करना तो मस्ट है। मतलब अभी कोरोना की वजह से हम लोग सब लोग मास्क यूज कर रहे हैं ना, लेकिन नोएडा NCR में जो लोग रहते हैं मैक्सिमम लोग विंटर के टाइम पे जैसे ये दूसरा के बाद जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है ना पॉल्यूशन, उस टाइम से ही ऑलरेडी लोग एवरी ईयर मास्क यूज करना स्टार्ट कर देते। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने मास्क यूज किया था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही था सिचुएशन, कुछ भी नहीं दिख रहा था बाहर, कुछ भी नहीं। कपड़ा वगैरह डाल रही हूँ तो एक दिन पूरा लग रहा है, दो दिन लग रहा है कपड़ा सूखने के लिए। एनीवेज मैं अभी निकल रही हूँ वॉक के लिए, क्योंकि जितना भी बाहर कुछ भी हो जाए थोड़ा सा तो वॉक तो करना ही होगा ना, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे मैं जा नहीं पा रही हूँ, शाम के टाइम पे सौरभ घर पे हो रहा है, तो फिर रात को जल्दी सो रहे हैं, इस वजह से शाम के टाइम पे डिनर का सब कुछ मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है, 9 बजे तक अभी हम लोग सो जाते हैं, तो इसीलिए शाम के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है। शाम के टाइम पे ना मैं अभी घर पे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ड्रेस तो मैंने पहन लिया है, टॉप और पैंट मैंने पहन लिया है, बस मुझे शूज पहनना बाकी है। आने के बाद ना मैंने एकदम नहा भी लिया, क्योंकि घर आने के बाद इतना ज्यादा मैं स्वेटी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर अगर ना नहाओ तो फिर बाकी का कुछ काम अच्छा ही नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नहा लिया, कपड़ा वपड़ा सब कुछ बैल्कनी में डाल दिया है। आज लग रहा है थोड़ा सा शायद धूप आने वाला है, क्योंकि देखिए जिशान भैया के बैल्कनी है ना, यहाँ पे थोड़ी सी धूप मुझे दिख रही है, ठीक है। और अभी अभी मैंने ये छोटा वाला बेडरूम से भी मैंने देखा, तो देखिए बाहर से ना धूप आके यहाँ पे कपड़े के ऊपर, यहाँ पे मेरा कुछ कपड़े रखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर आके धूप गिर रहा है, लेकिन पॉल्यूशन बाहर उतना ही है। देखिए आप देख सकते बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, पॉल्यूशन तो उतना ही है, लेकिन फिर भी चलो अगर थोड़ा सा अगर धूप आ जाए तो ठीक है। तो एनीवेज अभी टाइम हो रहा है 8:10, तो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। सुबह तो सौरभ को मैंने बना के दिया था डोसा, और वही बेकार वाला डोसा, लेकिन उसको पता नहीं क्यों उसी में मज़ा आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे यही बना के दो, मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसको मैंने डोसा बना के दिया है, उसके साथ चटनी था नारियल का। और डोसा का बैटर तो अभी भी यहाँ पे है, ये कल भी हो जाएगा, और उसको मैंने आज लंच में दिया है सत्तू का पराठा। मैं रात को सत्तू का पराठा बनाई थी ना, तो आटा भी लगा हुआ था और सत्तू की स्टफिंग भी थी, तो इसीलिए उसको मैंने सत्तू का पराठा ही दे दिया, उसके साथ रायता दे दिया है। और मैं अभी ब्रेकफास्ट में सत्तू का पराठा ही खाऊंगी, लेकिन पराठा मतलब उसमें मैं ऑयल नहीं डालूंगी, मैं थोड़ी सी घी डाल के वो मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जाते टाइम
मतलब वॉक पे जाते टाइम ऑलरेडी पेड़े बना के रखा था। किचन का हालात बहुत ही खराब है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कैसरल गैस वगैरह चकला सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है सिंक में बर्तन। दीदी आएगी ना उसके बाद, फिर दीदी साफ करके जाएगी सब कुछ, उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी, तो तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट बना के खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करके रेस्ट करके छोटा मोटा कुछ काम कर लूंगी, उसके बाद दीदी आके पूरा सब कुछ किचन और घर सब कुछ साफ करके जाएगी ना, उसके बाद ही फिर मैं लंच बनाने आऊंगी। दीदी काम करके चली गई है और मैं अभी बस लंच की तैयारी कर रही थी। करेला फ्राई कल का है, थोड़ा सा बहुत ही कम है, मेरा अकेले का ही होगा तो मैं अभी खा के ये खत्म कर दूंगी। और आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी चावल, कढ़ी पकोड़ा होता है ना पंजाबी वाला, वही वाला कढ़ी चावल में बना रही हूँ। तो चावल यहाँ पे ऑलमोस्ट बन गया है और कढ़ी यहाँ पे अभी बॉइल हो रहा है और यहाँ पे मैंने पकोड़े की तैयारी भी करके रखी है। ये ना मैं बना रही हूँ मूली के साग के साथ, मूली के साग के साथ कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। पालक वगैरह मेथी आप कुछ भी साग डाल सकते हो या तो फिर नॉर्मल प्याज के पकोड़े भी बना सकते हो, लेकिन मूली के साग मेरे पास ऑलरेडी था तो वो मैंने सोचा कि क्या करूँ तो पकौड़ा ही बना लेती हूँ। अल्टीमेटली वेजिटेबल ही तो है ना, साग ही तो है ना, डाल ही सकते हैं पकौड़ा बना के, तो इसीलिए मैं आज इस वाला ट्राई करूँगी। लेकिन मुझे पता नहीं कि इसमें थोड़ा सा मूली वाला स्मेल आएगा कि नहीं पकौड़े को कड़ी पे डालने के बाद, वो मुझे नहीं पता, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको बोलूंगी कि आप भी मूली के पत्ते के साथ ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज मेरे रिया की रसोई चैनल में पंजाबी कढ़ी चावल का रेसिपी डाला हुआ है, यानी कढ़ी पकोड़े का रेसिपी डाला हुआ है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना, बहुत बढ़िया बनता है। बिना हैंडल वाली कढ़ाई जो है ना, बहुत बार देख चुके हैं आप मेरे ब्लॉग पे, ये मैं स्पेशल यूज करती हूँ जब मैं कुछ बेकिंग करती हूँ या तो फिर कुछ भी स्टीम बिरयानी दम पे लगाने के लिए, या तो फिर जैसे कढ़ी को इसमें बस चढ़ा के रख देना है, कढ़ी आधा घंटा 40 मिनट लगता है खुद ही पकने में, तो वो ऑटोमेटिक होता रहता है। तो ऐसे यूजलेस काम के लिए, मतलब यूजलेस जब कुछ भी मैं करती हूँ तो तब मैं ये वाला कढ़ाई यूज करती हूँ। ये कढ़ाई कब से सौरभ बोल रहा है कि इसको फेंक दो और यूज मत करो, एक हैंडल टूट गया है, एक हैंडल देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ना फेंकने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जब हमारा शादी हुई थी ना उस टाइम पे, जब हम लोग पहला जब संसार हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ये नॉनस्टिक वाला कढ़ाई था फर्स्ट कढ़ाई जिसमें हम लोग खाना बना के खाए थे। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल है, तो इसलिए इसको ना फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लग रहा है कि एक हैंडल नहीं तो क्या होगा, वो तो अगर मैं चिमटा से भी पकड़ू तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ मेमोरी की वजह से मैं इसको फेंक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसमें ना सीरियसली बहुत सारा मेमोरी जुड़ा हुआ है। मुझे अभी भी याद है कि इसमें फर्स्ट टाइम मैंने दाल और भाजी, तो मेरे पास एक ही कढ़ाई था, सिर्फ ये कढ़ाई था, तो इसी में मैंने दाल और भाजी और चावल बना के हम दोनों खाए थे जब हम लोग शादी के बाद फर्स्ट दिन कलकत्ता आए थे उस दिन का।
इसलिए मैं इसको ना फेंकती नहीं हूँ, तो कुछ भी जो छोटा मोटा काम जैसे बेकिंग वगैरह हो गया तो वो सब मैं इसमें कर लेती हूँ। सौरभ ऑफिस से आने के बाद ना आज उसका तबीयत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उसको थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था क्योंकि वही आदत नहीं है ना मॉर्निंग शिफ्ट की, इतनी जल्दी उठ के रेडी होके फिर ऑफिस जाना, फिर पूरा दिन ऑफिस में रहना, तो उसका भी आदत नहीं है। तो मेरे साथ साथ उसको भी थोड़ा सा डाउन और वीक फील हो रहा था। फिर वो घर आके थोड़ी देर सो के उसने रेस्ट ले लिया, 2-2.5 घंटा उसने एक नैप ले लिया, 2-2.5 घंटे का ऑब्वियसली नैप नहीं होता है फिर भी बोल सकते हैं, तो एक नैप ले लिया। उसके बाद जाके उसका तबीयत ठीक लग रहा है। और मैंने तो आज पूरा दिन सोई नहीं, मुझे नींद तो नहीं आ रहा था पूरा दिन, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना मुझे वैसे वीक सा फील हो रहा था, लग रहा था कि सो जाओ, लेकिन फिर ना मैं सोई नहीं, मैं खुद को कंट्रोल करके रखी क्योंकि अगर मैं सो जाती तो फिर कल भी मुझे उसी टाइम पे नींद आ जाता और परसों भी वैसा ही होता और यही रूटीन फिर बन जाता, तो इसीलिए मैंने आज खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा था। तो सौरभ ऑफिस से आने के बाद फिर ना उसने और कुछ खाया भी नहीं, मैंने सिर्फ कॉफी बनाया, कॉफी पिया उसने, मैंने भी कॉफी पिया, उसके बाद आज कुछ स्नैक्स हम लोग खाए नहीं थे। फिर वो नैप लेने के बाद फिर हम लोग गए थे मार्केट, क्योंकि उस दिन जो दवाई हम लोग लेने गए थे ना उसमें से एक दवाई उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो उसने बोला था कि आज वो दवाई आएगा तो आज आने के लिए, तो इसलिए आज हम लोग गए थे वो वाला दवाई लेने के लिए। और ट्रस्ट मी, मैंने कुछ छोटा छोटा क्लिप बनाया है जो कि आप लोगों ने तो देख ही लिया, ठीक है। इतना अच्छा लग रहा है ना, हमारी सोसाइटी को इतने अच्छे से सजाए हैं ये लोग, और सिर्फ हमारे सोसाइटी नहीं, हम लोग स्कूटी लेके गए थे हमारे बगल वाले सोसाइटी के फार्मेसी में, क्योंकि हमारे फार्मेसी में वो दवाई नहीं था, तो बगल वाले सोसाइटी के फार्मेसी में हम लोग गए थे, तो उनके सोसाइटी भी इतना अच्छा से सजा हुआ था और हमारे सोसाइटी भी इतने अच्छे से सजा हुआ था, लग रहा था कि मैं बस पिक्चर्स क्लिक करते जाऊँ, लेकिन वही रात के टाइम पे ना वो मोबाइल का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता, तो इसीलिए बहुत अच्छा वीडियो क्लिप्स मुझे मिला नहीं, लेकिन जितना भी कुछ मुझे मिला है मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस टाइम पे तो दिवाली के टाइम पे बंगाली नॉन बंगाली सारे लोगों को सारे मतलब हर एक रिलीजन के लोग जो होते हैं दिवाली के टाइम पे सब लोग अपने अपने घर पे दिया जलाते हैं, लाइटिंग जलाते हैं, बंगाली होते हैं ना टूनी लाइट वो वाला, ठीक है, सुनने में अजीब लगेगा आप लोगों को जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो वो जो ब्लिंकिंग वाली लाइट होता है ना कलरिंग, उसको बंगाली में बोलते हैं टूनी लाइट, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज है, प्लीज हंसना मत, ठीक है। और हाँ, मेरा एक कन्फ्यूजन कल दूर हुआ है, पता है, क्योंकि मैं इतने दिन तक मैं जानती थी कि दिवाली मतलब काली माता की पूजा होती है, ठीक है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जाना कल कि दिवाली बंगाली में दिवाली का मतलब होता है कि काली माता की पूजा, लेकिन नॉन बंगाली के लिए दिवाली मतलब लक्ष्मी माता की पूजा होती है, और ये चीज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ आज तक मुझे पता नहीं था,
फिर जैसे मेरे नेबर को मैंने कल या परसों, हाँ कल ही मैंने जब उसको बोला कि हम लोग काली पूजा में घर जा रहे थे, काली पूजा कब है, तो मैंने बोला क्यों दिवाली में तो काली पूजा होती है ना, नहीं दिवाली में तो लक्ष्मी पूजा होती है, तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो, दिवाली में तो हम लोग बचपन से काली पूजा मनाते हैं। फिर उनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं दोनों के इस बात सही है, आप लोग जो लोग बंगाली है वो लोग दिवाली के दिन ही काली पूजा मनाते हैं और हम लोग नॉन बंगाली लोग दुर्गा सॉरी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। हेलो, ओ अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है, सोचिए एक दिवाली को लेके एक ही दिवाली के दिन दो टाइप के पूजा होती है ना, स्ट्रेंज वाली बात। तो बस यही, मैं इतने दिन से मुझे ये पता ही नहीं था ये चीज, मतलब वही बोलते हैं ना कि जब आप अपने बिरादरी से बाहर निकल के कहीं और रिलीजियंस कहीं और स्टेट में आप रहते हो तो उस टाइम पे उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो मेरे साथ भी ना अभी ऐसा ही हो रहा है, जब मैं कोलकाता में थी वहाँ का कल्चर, वहाँ का सब कुछ, माइथोलॉजी वगैरह सब कुछ वहाँ का अलग था, जब से मैं नोएडा में आई हूँ यहाँ का कुछ और सीन है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ मुझे जानने को मिला है, सीखने को मिला है क्या होता है क्या नहीं होता, जो कि मैं वेस्ट बंगाल में मुझे पता भी नहीं था ये सारे चीज़। तो इसलिए ना सबको, आदमी कितना भी एज हो जाए किसी का, लेकिन सबको एक बार ना एक बार अपने बिरादरी से यानी अपने एरिया से निकल के बाहर कहीं पे कोई दूसरे रिलीजियस कास्ट या फिर दूसरे स्टेट कंट्री भी हो सकता है, दूसरे कंट्री में ना एक बार ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का होता है, बहुत कुछ। हम लोग अपने वेस्ट बंगाल में रह के सिर्फ पूरा सब कुछ हम लोग गेन नहीं कर सकते, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है, और ट्रैवलिंग मेरा और सौरभ का दोनों का बहुत फेवरेट हॉबी है। अभी तो पैंडेमिक की वजह से कहीं पे भी घूमने जाना नहीं हो रहा है, नहीं तो हम लोग तो साल में एक दो तो हमारा हो ही जाता है, छोटा बड़ा मिला के एक दो ट्रिप तो हमारा हो ही जाता है। एनीवेज बहुत अच्छा लगा, बाहर सारे सोसाइटीज हमारे यहाँ पे पूरे लाइन करके जितने सारे सोसाइटीज है ना, सारे सोसाइटीज में लाइट जल रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अगर फिर से अगर कभी हम लोग निकलते हैं घर जाने से पहले, अगर बाहर कहीं निकलते हैं, तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों से दोबारा शेयर करूंगी लाइट्स वगैरह, ठीक है। लेकिन आज मैं इतना कुछ क्लिक नहीं कर पाई। एनीवेज चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अभी हम लोग डिनर करेंगे, अभी टाइम हो रहा है 9:15, तो अभी हम लोग डिनर कर लेंगे और 9:30 बजे तक सो जाएंगे। अभी तो मैं रात के टाइम पर एडिटिंग का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रात को ना 10 बजे तक हम लोग सो जाते हैं, तो इसलिए एडिटिंग का काम वगैरह जो होता है वो मैं सुबह करती हूँ, ठीक है। तो अभी हाँ, आज डिनर में है चावल, क्योंकि सौरभ ने परसों से चावल नहीं खाया था, तो इसलिए आज, और कढ़ी भी है ना दोपहर का, मैंने दोनों टाइम के लिए बना के रख दिया था, तो कढ़ी और चावल ही आज हम लोग रात को खाएंगे। दोपहर का चावल बचा हुआ है उसको गर्म करूंगी, और कढ़ी पकौड़ा भी है उसको भी मैं अभी गर्म करूंगी। तो चलिए ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब बटन के बगल में छोटा सा एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी कुछ वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम लोग घर जा रहे हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग अभी नेक्स्ट आने वाले हैं 2-4 दिन में, तो वो सब एक भी मिस नहीं करना, ठीक है, प्रॉमिस कीजिए। मिस तो नहीं करोगे ना एक भी व्लॉग, अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। एनीवेज टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।